हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप मूव ऑन कैसे करें, अपने ब्रेकअप वाले फेज से बाहर कैसे निकले, अपने एक्स को कैसे भूले। क्योंकि पता है, जब भी ब्रेकअप होता है तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है, चाहे रिलेशनशिप 2 साल का हो, 5 साल, 10 साल, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कई लोग हमेशा दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, खुद को रूम में बंद कर लेते हैं, कट जाते हैं सबसे, पर ये सब ठीक नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, आप उनको फॉलो करिए, जो आपको हेल्प करेगी अपने एक्स को भूलने में और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करोगे ना, तो डिप्रेशन भी हो सकता है, जो कि ठीक नहीं है। तो ट्रस्ट मी, आप इन चीजों को फॉलो करिए, इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो सबसे पहले ना, लिखना स्टार्ट कर दो। जो भी प्रॉब्लम होती थी ना आपकी एक्स के साथ, या टॉक्सिक रिलेशनशिप था, या कोई तो वजह रही होगी ना ब्रेकअप की, कोई डिसलाइक्स होंगे, उसको कोई चीजें आपकी नहीं पसंद होगी, आपको कोई चीजें उसको नहीं पसंद होगी, तो उसी वजह से तो ब्रेकअप होता है ना। तो उन वजह को लिखो, पेपर पे नहीं लिखना तो फोन में टाइप करके सेव कर लो, और जब भी मन में आए ना कि नहीं मुझे उससे बात करनी है, क्यों हो गया ऐसा, तो उस वजह को पढ़ो। उस वजह को पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एकदम ही होपलेस रिलेशनशिप था, कोई फ्यूचर नहीं था, और फिर आपका मन थोड़ा सा शांत हो। फिर इसके बाद ना एकदम ही कट ऑफ कर दो, ब्लॉक कर दो नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर ब्लॉक नहीं करना है तो मत देखो ना उसकी पोस्ट, क्यों स्टॉक कर रहे हो उसको। जितना देखोगे ना उतना मन करेगा कि नहीं बाबू ये कर रहा है, बाबू का कॉल आएगा, और फोन पे भी मुझे पता आप देखते रहते होगे। अगर ब्लॉक नहीं है ना तो चलो रात के 11 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, अब तो मेरी याद आ रही होगी, अब फोन आएगा, पर फोन नहीं आता है। तो इससे अच्छा ब्लॉक कर दो, या तो फोन को स्विच ऑफ करो, साइड में रख दो, फोन को ही थोड़ा सा दूर रखो उस टाइम पर जिस टाइम पर आपको लगता है कि कॉल आती थी। और अगर आपको ये चीज पता है ना कि उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, देखो ये तो मैं नहीं बताऊंगी, आपको ये चीज ज्यादा पता होगी कि उस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर है या नहीं। और अगर नहीं है ना, ये चीज आपको पता है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है उससे बात करने का। फिर इमोशनल गाने और मूवीज देखना बंद करो, क्योंकि आपको लगेगा नहीं तो मैं कभी रॉकस्टार हूं, कभी देवदास हूं, देवदास पड़ा रहेगा शराब पी के उसके घर के आगे, पारो आएगी दौड़ते दौड़ते। तो देखिए, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर था, ना तो आप देवदास हो ना वो पारो है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसी चीजें देखो मत, ऐसे गाने सुनो ही मत, पर ये महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, अभी मत करो, सुनो देखो, पर इस टाइम पर नहीं, जब आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, इस टाइम पर अवॉइड करो। और कोई हॉबी को फॉलो करो, बहुत ही जरूरी है। कोई भी चीज जो आपको पसंद हो, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, रीडिंग, पेंटिंग, जो चीज आपको पसंद हो, आप उसकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप घर पे भी कर सकते हो, जैसे रीडिंग, कुकिंग, पेंटिंग, डांस भी आप घर पे कर सकते हो। तो ये करना जरूरी है, क्योंकि इससे पता क्या होता है, थोड़ा सा आपको पीस मिलेगा और मूड भी फ्रेश हो जाता है। फिर ना कोई ग्रजेस मत रखो, कि होता है ना कि मुझे बदला लेना है एक्स से, तो ऐसी चीजें अपने मन में बिल्कुल भी मत लाओ, क्योंकि आप बदला लोगे ना तो उससे पता क्या होगा, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद को बर्बाद कर रहे हो और उसको भी बर्बाद कर रहे हो। तो क्यों किसी को तंग करना और इतनी सारी बर्बादी को इन्वाइट करना। तो कोई ग्रजेस मत रखो, कोई बदले की भावना अपने मन में मत लाओ, और पता है कोशिश करो कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड कर रहे हो, आप उनसे बातें करो, उनके साथ आप बाहर जा सकते हो, या अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो, आप अकेले हो, तब भी खुद को बिजी रखो, कुछ ना कुछ करते रहो, कोई एक्टिविटी, कोई काम, एक्सरसाइज, जिम करो। जितना खाली बैठोगे ना, उतने ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आते रहेंगे आपके मन में, आपका मन होगा कि मैं उससे फिर से बात कर लूं, फिर से उसके पास चले जाऊं, पर जो चीज नहीं होनी चाहिए। तो अपने आप को बिजी रखना बहुत ही जरूरी है। आखिर चीज, अपने गोल्स पर फोकस करो। अब बैठ कर सारे टाइम अपने एक्स के बारे में तो सोचते नहीं रहोगे, या लेट कर रोते रहो कि मेरा एक्स वापस आ जाए, मैं उसके पास चली जाऊं, यही करते रहोगे ना, खुद को तो हर्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को भी हर्ट कर रहे हो। आपके पेरेंट्स आपके साथ है, पर आपका एक्स चला गया, तो आपको इस सिचुएशन में देखकर आपके पेरेंट्स भी दुखी हो रहे हैं। तो उनको हर्ट करना बंद करो, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने गोल्स पर फोकस करो, जो चीजें मैंने बताई है उसको फॉलो करो, इम्प्रूवमेंट आएगी। खाली मत बैठो, बिजी रखो खुद को, कुछ ना कुछ करते रहो। जितना खाली बैठोगे ना, उतने ज्यादा उल्टा सीधा थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, तो वो नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में नहीं घूमे। तो खुद को बिजी रखना बहुत ही जरूरी है, और जो लोग इन चीजों से गुजर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और ये याद रखना, आप सबसे बेस्ट हो, आप कर सकते हो अच्छा, आप इन चीजों से निकल सकते हो। ये मत सोचना कि मैं कभी नहीं निकल सकता हूं, आप निकल सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।